दोस्तों, पति एक मजदूर और पत्नी एक आईपीएस अधिकारी। वो पत्नी जब आईपीएस अधिकारी बनती है, पति मजदूरी करके उसे पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन पत्नी उसका साथ छोड़कर चली जाती है, जिसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। बेटा 5 साल का होता है और बेटी 3 वर्ष की होती है, लेकिन वो दूसरे के साथ चली जाती है। पति मजदूर जो होता है गड़गड़ाता रहता है और कहता है कि मैंने मेहनत करके मजदूरी करके जो मेरे पास जमीन थी सारी गिरवी रख के और तुम्हें आईपीएस बनवाया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन पत्नी एक बात नहीं मानती है और वो दूसरे के साथ चली जाती है। दोस्तों, जाने के बाद वहां भी उसके साथ क्या होता है, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आखिरकार पति गिड़गड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन पत्नी नहीं मानी, तलाक देकर दूसरे के साथ चली गई, और वहां भी उसका जाकर बुरा हाल कैसे होता है। दोस्तों, तो बने रहिए थोड़ा समय निकाल करके मेरे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इस कहानी को मैं बताने जा रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये जो सच्ची कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये दोस्तों उड़ीसा की है। एक हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने ये कहानी मुझे बताई है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम सुनील यादव है। दोस्तों, लड़का का नाम होता है श्यामू, और श्यामू बड़ा ही सुंदर था, चतुर था, चालाक, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। जो खुद पढ़ लिख जाता लेकिन होशियार तो था। लेकिन कुछ समय चलते श्यामू का विवाह हो जाता है, पत्नी का नाम होता है आरती। और कहते हैं कि थोड़े हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी तो होती है। आरती जब शादी होकर के आई थी तो पति से बड़ा हित करती थी, बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंट था उसके अंदर। तो अपने पति से एक दिन कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ जाऊं। और पढ़ने में जब होशियार थी तो पति ने कहा, मैं एक मजदूर हूं और मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, अगर आपका काम चल जाता है तो आप जो चाहो। बोले, आईपीएस अधिकारी बनने का मेरा सपना है, सरकारी नौकरी करने का, अगर हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो पति श्यामू कहता है, आरती आप चिंता ना करो, चाहे मेरी जमीन 2-3 बीघा है वो बिक जाए, मैं सारी गिरवी खुद रख जाऊं, मकान गिरवी रख जाए, लेकिन तुम्हें पढ़ा लिखा करके मैं आईपीएस बनता देखना चाहता हूँ। दोस्तों, पत्नी को पढ़ाता लिखाता रहता है इसी बीच में, 4-5 वर्ष के बीच में, और उनके दो बच्चे हो जाते हैं। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है शिवम, और बेटी होती है जिसका नाम होता है छोटी सी अनुष्का, जिसकी 3 वर्ष की बेटी होती है। दोस्तों, कहते हैं कि समय कहीं भी बदलाव ले सकता है। समय चलते वो उसकी पत्नी जो आरती होती है कोचिंग जाती है, घर का काम करती है, सारे सारे रात जगती है पढ़ने लिखने में। पति भी दिन रात मेहनत करता था। मेहनत करने के बाद दोस्तों होता यह है कि वो उसका सपना धीरे धीरे पूरा होता है, यहाँ तक होता है कि वो एक अधिकारी आईपीएस बन जाती है। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी की जगह तो साल 2 साल में एक आध दो दो चार निकलती है, लेकिन वो पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार थी तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेनिंग पर जाती है उसी समय से पति से ताल्लुक कम कर देती है। और वहीं एक दूसरा होता है अधिकारी, युवा लड़का था जिसकी उम्र होती है लगभग महज 28-30 वर्ष, और उसकी भी ज्यादा उम्र नहीं थी, 26-27 वर्ष की थी, 20 वर्ष में विवाह हो गया था। दोस्तों, उससे उसका रिलेशन हो जाता, उसके संपर्क में आ जाती है, क्योंकि खूब सुंदर थी और वो आईपीएस थी, तो वो भी लड़का होनहार था, वो भी एक अधिकारी ही था, उसके चंगुल में फंस जाती है, उससे मोहब्बत कर लेती है। दोस्तों, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनेंगे पूरी कहानी तो आपको पता चलेगा। अब जो लड़का था रणजीत, तो उससे वो उसके चक्कर में फंस जाती है और अपने पति श्यामू से बात करना कम कर देती है। पति अगर 10 बार बात करता है तो एक बार फोन उठाती और कहती है, आपको जल्दी पड़ी है, मैं यहाँ कुछ कुछ न कुछ बहाना बनाती रहती थी, कभी फोन स्विच ऑफ कर लेती थी, कभी काट देती थी, बच्चे बात करने को तड़पते रहते थे, लेकिन वो निर्दयी आरती बात नहीं करती थी। दोस्तों,
अब श्यामू को शक हुआ क्योंकि ये पहले इतना बात करती थी, लेकिन अब इसने अभी तो आईपीएस अधिकारी ही बनी है, लेकिन अब आगे क्या करेगी दोस्तों। उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी होती है, उसने एक रुपया घर पर नहीं दिया, जो भी पैसा था वो सारा पैसा अपने कब्जे में करके रखा और अपने मायके पैसा भिजवाती थी और अपने जीजा की बात मानती थी। माँ बड़ा खुश थी, कहा बेटी कोई बात नहीं है, अगर तुम छोड़ना चाहो तो श्यामू को छोड़ दो, और तुम तो एक अधिकारी बन चुकी हो, वो एक मजदूर तुम्हें शोभा तो नहीं देगा। माँ ने इसमें घी डाल दिया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों होता यह है कि जब ट्रेनिंग से वापस आती है तो श्यामू कहता है कि बात क्या है आरती, तो लेकिन आरती कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब उस पर दोषारोपण करने लगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम एक नेक आदमी नहीं हो, तुम एक गलत आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती, हरगज नहीं रह सकती, कुछ बातें बढ़ जाती हैं। तो श्यामू एक आध बात कहता है इसी पर चिढ़ करके, और वो वहां से चली जाती है, डिवोर्स के कागज डाल देती है। छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी कहकर पीछे भागते हैं, लेकिन उसका भी मोह नहीं करती दोस्तों ऐसी महिला, और वो चली जाती है और डिवोर्स के पेपर डालने के बाद और अपने पति से तलाक ले लेती है। दोस्तों तलाक जब ले लेती है, श्यामू जो होता है तलाक के लिए तैयार होता है, लेकिन एक दो तारीख बची होती है, लेकिन उसने उससे अफेयर कर लिया था, उसके साथ रहती थी जो लड़का था रंजीत, वो भी एक अधिकारी ही था उस जगह पर, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत करती थी दोस्तों। लेकिन वो उसका मुकदमा चल रहा था तलाक का, मान लो तलाक के कगार पर ही थी, लेकिन एक दो साल के बाद होता यह है दोस्तों, उसने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अकस्मात उस एक कार एक्सीडेंट में उस रणजीत की डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है। जब वो मर जाता है तो आरती फिर अकेली रह जाती है। रहने के बाद अब वो सोचती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ड्यूटी उसे मिल चुकी थी दोस्तों। श्यामू बेचारा अपने बच्चों की परवरिश करता है, मजदूरी करता है, जिसके माँ थी वो बुजुर्ग थी, पिता भी बुजुर्ग थे, अब जो भी कुछ था खेती भी उसकी गृहमी रख चुकी थी, और जो कुछ था घर भी गृहमी रखा था उसे आईपीएस बनाने के लिए, और उसके पास कुछ नहीं बचता है दोस्तों। अब ज़्यादा उसके पास तंगी आती है, लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है दोस्तों। जो श्यामू होता है, एक गांव में छोटी सी सरकारी जॉब निकलती है, जैसे प्रधान के थ्रू मिल जाती है ब्लॉक में, तो वो पढ़ा लिखा था, तो दोस्तों उसकी एक छोटी सी जॉब सेक्रेटरी तौर पर सेक्रेटरी बन जाता है, और उसके दिन पलटना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इधर उसकी जो पत्नी चली गई थी आरती, केस चल रहा था, अब वो लड़का खत्म हो जाता है। जब आरती को ये पता चला कि श्यामू भी एक सरकारी अफसर या सेक्रेटरी बन चुका है, कुछ तो है उसके हाथ में, अब किसी प्रकार से श्यामू से ही सेटिंग की जाए, उससे ही बात की जाए, तो एक दिन लड़खड़ाती हुई और गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और कहती है श्यामू न जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और मुझे बहुत कुछ परेशानी उठानी पड़ी है तुम्हारे पीछे, और मैंने तुम्हें भुलाया नहीं, लेकिन जो हुआ वो हो गया। लेकिन श्यामू जो होता है कहता है कि तुम वही तो हो, मैं गिड़गिड़ाता रहा तुम्हारे पीछे, सारा खेत गृहमी रख गया, मकान भी गृहमी रख गया, मैं अगर सरकारी नौकर न बनता, अगर मैं सेक्रेटरी न बनता तो मेरा खेत सारा का सारा बर्बाद हो जाता। लेकिन अब वो गिड़गिड़ाने लगती है, आईपीएस जरूर होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक को धोखा देके आई थी और दूसरी जगह इसने डोरे डाले थे, लोग उसकी सारी चालाकी जान जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसे कोई जब नहीं अपनाता है तो उसी के पास दोबारा पहुंचती है। श्यामू एक नेक होता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसे ऐसे आरती दोबारा लौट करके आई है, तो उसकी माँ कहती है बेटा आखिर बहू है, क्या है तुम भी जॉब करते हो वो भी जॉब करती, हो सकता है कि सुबह का भटक जाए शाम को घर आ जाए। तो आरती बार बार मेहनत करती है, लेकिन श्यामू कहता है ये बताइए मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था, मेरे अंदर क्या खोट थी, मेरे अंदर क्या कमी थी जो आपने मुझे ठुकरा कर उसे पसंद किया, अगर आज मेरी सरकारी नौकरी सेक्रेटरी नहीं बनता तो शायद तुम मुझे
दोबारा अपनाने नहीं आती, लेकिन जब ज्यादा वो कहती है तो श्यामू कहता है कोई बात नहीं है, ठीक है अगर आप चाहते हो तो, तुम्हारे लिए पहले भी दरवाजा खुला था, आज भी दरवाजा खुला है। दोस्तों अपने पति के पैर पकड़ लेती है आरती और बार बार मिन्नत करती है। उसके बाद अपने घर ससुराल जाती है और सास ससुर से मिलती है, दोनों बच्चों को गले लगाती है और दोनों सरकारी जॉब करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि औरत चाहे वो कर सकती है, आदमी कुछ नहीं कर सकता। औरत चाहे तो आदमी को छोड़ सकती है, औरत चाहे तो आदमी को भरे बाजार में पिटवा सकती है, औरत चाहे तो अपनी मर्जी से रह सकती है। औरत को सब अथॉरिटी होती है, आदमी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एक बात और है, अगर आदमी पैसा पैदा करता हो तो वो कभी नहीं कहता कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर जो औरत पैसा कमाने लगे तो उसके जवाब यही होते हैं कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैं खुद पैदा करती हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अधिकांश औरतें यही बात कहा करती हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, गरीब पति पत्नी को पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाते हैं, लेकिन वही पत्नियां धोखा दे करके और पति को छोड़ के चली जाती हैं तो बहुत गलत लगता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।